मैडम 2000 रुपए। 2000 रुपए चुपचाप से ना, ये 500 रुपए पकड़ और चल। मैडम आप ये क्या दे रही हो, इतने पे नहीं हो पाएगा। वेट वेट वेट, पैर साफ करके अंदर आओ। जी मैन साहब। ओ हेलो, सोफे पे नहीं जमीन में बैठो। वो मेन साहब आपने मुझे सफाई के लिए बुलाया था। ओ अच्छा, हाँ हाँ, हमारी छत पे ना 4 टंकी है, उनको अच्छे से क्लीन कर देना। और 2 बाथरूम है, इस साइड है एक इस साइड है, दोनों को अच्छे से क्लीन कर देना, बहुत गंदे। और अगर इसके बाद भी तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है तो रूम में थोड़ी डस्टिंग कर देना। ठीक है? ठीक है मेन साहब, मैं सफाई करता हूँ। मैडम मैंने वो टंकी और दोनों बाथरूम साफ कर दिए हैं। हाँ तो? तो मैडम थोड़ा चाय पानी मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चाय पानी? तुम क्या कोई रिश्तेदारी में आए हो? जो काम बच रहा है वो करो चुपचाप जाके। नहीं मैडम, पर मैडम जहाँ मैं पहले काम करने जाता था ना, तो वो लेबर को चाय पानी पिलाते थे, इसलिए मैंने आपको बोला। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, चुपचाप से अपना काम कर और जितने पैसे बनते हैं लेके निकल। ठीक है मैडम, आप गुस्सा मत करो, मैं काम करता हूँ। अरे सर्जेश, तू बिल्कुल सही टाइम पे, जल्दी आ जा जा, बैठ। अरे यार गर्मी कितनी हो रखी है यार, बहुत हो रही है आजकल। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेके। अरे नहीं नहीं बैठ यार, चाय पानी नहीं पीनी यार, चाय पानी घर से पी गया हूँ। तू बैठ यार, काम की बात पहले कर ले, मैं कहीं और भी जाना है। अरे वो सब छोड़, ये बता शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? शादी यार बहुत बड़ी झंझट है, रोज घर में इतना काम हो रहा है, लग ही नहीं रहा कुछ काम हो रहा है। तू ही देख, लग रहा है ना पूरा घर बिखरा बिखरा। और यार खर्चे तो इतने हो रहे हैं ना, तुझे क्या ही बताऊं यार, तू ही कुछ सजेस्ट करना मुझे। अरे यार सही बोल रही है तू, एक शादी और मकान बनाने में ना पैसा तो ऐसा खर्च होता है जैसा पानी बह रहा हो। हाँ यार सही कह रहा है। मैडम काम पूरा हो गया। अच्छा तो बता कितने पैसे हो गए तेरे? मैडम 2000 रुपए। 2000 रुपए चुपचाप से ना, ये 500 रुपए पकड़ और चल। मैडम आप ये क्या दे रही हो, इतने पे नहीं हो पाएगा। मैडम मुझे पूरे 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए तो ऐसे बोल रहा है जैसे सफाई की जगह घर बना के गया हो हमारा। मैडम आप ये गलत कर रही हो, किसी गरीब का हक मार के या आप अच्छा काम नहीं कर रही हो। गरीब गरीब है तो गरीब जैसे पैसे मांगना, 2000 रुपए मांग रहा है, पता है कितनी मेहनत लगती है 2000 रुपए कमाने में। मैडम मैंने काम भी तो किया है, अगर कहीं और भी काम करता ना तो कम से कम 3-4 हजार रुपए मांगता। फालतू की बहस ना कर, जितने पैसे दे रही उतने ले ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं मैडम, मुझे लगता है इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ चल चल निकल निकल, बड़ा है नवाब बनने वाला। अरे सोहिता यार ये तो गलत बात है, उसने मेहनत करी है तभी तो 2000 रुपए मांगे हैं, और तूने काम भी तो कितना करवाया है यार, उसके पैसे दे देने चाहिए थे तुझे। यार सरजेश चिल मारना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, ये लोग ना काम एक पैसे का नहीं करते और पैसे ना मुंह फाड़ के मांगते हैं। अभी जब तू नहीं आया था ना तो मुझसे आके कह रहा कि मैडम आप जितने दोगी उतने ले लूंगा, बस काम बता दो, घर का काम चाहिए उसे। अब बताओ ऐसे में तो मैं अपना बजट देखूंगी ना, हद कर दी इसने भी, 2000 रुपए मांग रहा है। हाँ सोहिता ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊँ, घर में शादी है और ऐसे किसी गरीब का हक मार के ना यार, उनकी बद्दुआ लेने से अच्छा है ना कि उनके पैसे ही दे दो, क्या पता वो पैसे कहीं और निकल जाए। अरे यार सरदेश चिल, छोड़ ना यार। हेलो जी, मैं अपनी बहन की रिश्ता आपके भाई से नहीं कर रहा। जी पर क्या बात हो गई? नहीं नहीं ये मत पूछिए क्यों क्या बात है, नहीं करना तो मत नहीं करना, ये हमारा आखिरी फैसला है। ठीक है। हेलो हेलो
हेलो। अरे क्या हुआ श्वेता, कैसा परेशान हो गई तू एकदम से? मेरे भाई के ससुराल से कॉल आया था, कोई रीजन भी नहीं बता रहे हो और कह रहे रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ रहे हैं यार, कुछ तो रीजन होगा जब ही तो तोड़ रहे हैं। यार उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया, यार बिना बताए कोई कैसे रिश्ता तोड़ सकता है? यार हमने इतना खर्चा कर दिया, शादी के 10 दिन पहले कौन मना करता है यार? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, अब क्या होगा? देखा श्वेता, एक बात तो माननी पड़ेगी। देख तू ना उस गरीब के पैसे रोके, उसने तुझे बद्दुआ दी और तेरे भाई का रिश्ता टूट गया। इसलिए तो बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ यार सरजेश तू सही कह रहा है। तो दोस्तों, कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए, उसे उसकी मेहनत का पैसा दे देना चाहिए और उनसे इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है।